नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल सक्सेस प्लानर में। तो आ चुके हैं दोस्तों एक और जॉब नोटिफिकेशन को लेकर, जो कि निकल के आई है ECIL की तरफ से। यहाँ से जितने भी ITI पास स्टूडेंट हैं उनके लिए बम्पर भर्ती आ चुकी है। सीटों की बात करें तो टोटल 1100 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए वीडियो शुरू करने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आइए दोस्तों चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो ये जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है उसका ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है, भारत सरकार का परमाणु ऊर्जा विभाग। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं और ये जो वैकेंसी है देख पा रहे हैं ये जूनियर टेक्नीशियन के लिए है और ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। तो नीचे हम लोग स्क्रॉल करेंगे, पद का जो नाम है, नेम ऑफ पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्ट ग्रेड सेकेंड। इसमें तीन प्रकार के ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रीशियन और फिटर। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें 275 सीटें हैं। वहीं इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो इनके लिए भी 275 सीटें हैं। बात कर लेते हैं फीटर ट्रेड की, तो यहाँ 550 सीटें निकाली गई हैं। अपर एज लिमिट की बात करें तो 16/1/2024 को 30 साल एज जो होना चाहिए, और यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो 22,528 पर मंथ सैलरी रहने वाली, तो काफ़ी शानदार सैलरी रहने वाली है। नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, कैटेगरी वाइज जो सीट है, जो रिजर्वेशन है, EWS, OBC, SC ST और PWD और एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर सभी का कैटेगरी वाइज सीट दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की बात करें, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 275 सीट है, जिसमें SC के लिए 44 सीट, ST के लिए 19, OBC के लिए 74, UR के लिए 110 और EWS के लिए 28 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 275 सीटें हैं, जिसमें SC की बात करें तो 44 सीटें हैं। बात कर लेते हैं ST के लिए तो 19 सीटें हैं, OBC के लिए 74 सीटें हैं, UR के लिए 110 सीटें हैं, EWS के लिए 28 सीटें निकाली गई हैं। बात कर लेते हैं फीटर ट्रेड के लिए, तो टोटल 550 सीटें निकाली गई हैं। SC की बात करें तो 88, ST के लिए 39, OBC के लिए 148, UR के लिए 220 और EWS के लिए 55 सीटें निकाली गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है देख पा रहे होंगे 1100 सीट पे वैकेंसी निकाली गई हैं। यहाँ पर जो एज का रिलैक्सेशन है देख पा रहे होंगे कि अगर आप OBC हैं, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो कि यहाँ पर दिया गया है आप देख पा रहे होंगे कि OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और PWD के लिए जो कि मिनिमम 40% डिसबिलिटी पे हैं तो उन्हें 10 साल का छूट मिलने वाला है। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपको पहले आपका जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसके द्वारा वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, और प्रोसेसिंग ऑफ अ शॉर्ट लिस्टेड, तो इसमें कैसे शॉर्ट लिस्टेड होना है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए 60% ऑफ एग्जामिनेशन परसेंट इन ITI, तो 60% मार्क होना चाहिए और रिलेटेड एक्सपीरियंस यानी 20 मार्क्स फॉर एंट्री 1 ईयर प्लस अप्रेंटिस एक्सपीरियंस प्लस, अगर आपके पास जैसे ये मार्क्स है, अगर आप पर ईयर का अप्रेंटिसशिप है जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आपके पास अप्रेंटिस है तो उसका नंबर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि एक्सपीरियंस का नंबर यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। नीचे हम लोग स्क्रॉल कर लेते हैं और इसके लिए आपके पास ऑनलाइन अप्लीकेशन फिलअप करना है। जो भी स्टूडेंट्स शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनकी ज्वाइनिंग इमिडिएटली कराई जाएगी। आइए नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं, बात करते हैं इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो हाउ टू अप्लाई।
अप्लाई करने के लिए आप देख पा रहे होंगे www.ecil.co.in पर जाकर आप इस फॉर्म को 10/1/2024 से लेकर 16/1/2024 तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके रीड करना, तो आप इसके ऑफिशियल साइट www.ecil.co.in पर जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरा रीड कर सकते हैं। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप चाहे तो इसे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। इस फॉर्म का जो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन डेट है वह 10/1/2024 से स्टार्ट है और इसकी जो अंतिम तिथि है वह 16/1/2024 रखी गई है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को अंतिम समय यानी 16/1/2024 के पहले इस फॉर्म को सबमिट कर दें। बहुत ही शानदार जॉब रहने वाली है। वीडियो कैसा लगा है इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तब तक जय हिंद।